सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अमित के सॉल्यूशन चैनल। आज के वीडियो में हमारे पास है वेबएक्स की तरफ से आने वाला क्विक सेरेमिक स्प्रे, जिसको यूज़ करना काफ़ी इजी है और आज हम इसको यूज़ करेंगे डार्क कलर की पेंट पर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक्चुअली क्या है, डार्क कलर का जो पेंट सरफेस होता है इसको मेनटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस पर हल्का भी डस्ट अगर बैठता है तो वो साफ नज़र आता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे हम और देखेंगे इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर जल्दी से हम देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ से एक और पैकेट निकला है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एप्लीकेशन, इसको अप्लाई करने के लिए फोम पैड भी दिया गया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। ठीक है, और इस पैकेट में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके साथ एक स्प्रे करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये है दोस्तों 100 ml का क्विक सेरेमिक स्प्रे हाइड्रोमैक्स, यहाँ पर देख सकते हैं वेवेक्स का SiO2 इन्फ्यूज्ड। ठीक है, और आपको मिल जाता है यहाँ पर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ। चलिए इसकी भी क्वालिटी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, इसको भी निकालता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके साथ आपको एक मिल जाता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। के हाइड्रोमैक्स को यूज़ करने से पहले इस पेंट सरफेस को हम क्लीन करेंगे अच्छे से, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्ले बार। ठीक है, तो आप क्लेइंग की मदद से इस पेंट सरफेस पे जो डिकॉन्टेमिनेशन है उसको हटाएंगे और उसके बाद फिर यूज़ करेंगे हाइड्रोमैक्स का ये क्विक सेरेमिक स्प्रे। ठीक है, तो पहले हम इस सरफेस को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो ये रहा क्ले बार, देख सकते हैं आप, और इसको बस आपको ऐसे तो जो भी इसमें इस पेंट सरफेस पे गंदगी होगी वो इसमें आकर चिपक जाएगी। एक्चुअली ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी डिकॉन्टमिनेशन होता है पेंट सरफेस पे उसको ये अपने पे चिपका लेता है। ठीक है, तो चलिए ये क्लीन हो गया है हमारा, तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है। ठीक है, सरफेस को अब इसको थोड़ा सा ड्राई हो जाने देते हैं, जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। दोस्तों, इसको यूज़ करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना। सुपर हाइड्रोफोबिक हाई ग्लॉस लिक्विड बेस्ड सिरेमिक कोटिंग, और ये आपके गाड़ी के एक्सटीरियर पर जैसे कि पेंट सरफेस हो गया, ट्रिम्स, ग्लास, क्रोम, हेडलाइट पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब इसको यूज़ करके देखते हैं इसका रिजल्ट। पेंट सरफेस पे इसको यूज़ करते हैं, डायरेक्ट आप इसको स्प्रे कर सकते हैं या फिर एप्लीकेटर पर आप इसको लगाकर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। ठीक है, और इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो मिला है मेरे को उसी से मैं इसको बफ करने वाला हूँ। तो चलिए बफिंग करते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों, इसको अप्लाई कर लिया मैंने, अब इसको पहले मैं निकालता हूँ यहाँ से और उसके बाद रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों पेंट सरफेस में। तो दोस्तों, एप्लीकेशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सरफेस जो है और यहाँ का सरफेस, इसमें दोनों में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा। ये वाला सरफेस जो है काफ़ी शाइन कर रहा है, और वहीं दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ देख लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ फोकस करके। ये देखिए, ये वाला सरफेस और यहाँ वाला सरफेस, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, जहाँ पर सरफेस पे मैंने इसको यूज़ किया है, अप्लाई किया है, वो सरफेस पे पानी थोड़ा भी टिक नहीं रहा है। ये देखिए, उसके बाहर से चला जा रहा है, बट वहाँ पर जो सरफेस है वो हाइड्रोफोबिक सिटी की वजह से ये यहाँ पर पानी रुक नहीं रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एक प्रोफेशनल सेरामिक कोटिंग एप्लीकेशन के टाइम में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक पेंट सरफेस को पहले अच्छे से वॉश किया जाता है, उसके बाद स्वेल मॉस रिमूव किए जाते हैं 2-3 स्टेप में, लाइक रबिंग, कंपाउंडिंग करके।
तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है और उसको क्योर करने के लिए लगभग 24 आवर्स का टाइम भी लगता है और काफ़ी मोटा खर्चा होता है। तो उसके लिए अगर आपकी गाड़ी नई है तो मैं यही कहूँगा कि आप इसे घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक सेरेमिक स्प्रे से आपका पेंट प्रोटेक्ट रहेगा काफ़ी हद तक। दोस्तों इस कार के ग्लास पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, स्प्रे करके आपको एप्लीकेटर से ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अप्लाई कर लेना है अच्छे से। अप्लाई करने के बाद इसको हल्का सा बफ कर लेंगे। इसके बाद निकालते हैं इस मास्किंग टेप को और उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आया है ग्लास पैनल पर, ठीक है। तो चलिए इस पे वाटर टेस्ट करके पहले देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगाया है बट यहाँ पर पानी थोड़ा भी टिक नहीं रहा है। और जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये तुरंत पानी नीचे की तरफ गिर जा रहा है। बट यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सरफेस कैसा है और ये वाले बॉक्स में हमने जहाँ पर अप्लाई किया था वहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इफ़ेक्ट कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में हाइड्रोमैक्स सिरेमिक कोटिंग का रिस्पांस कितना अच्छा था। इसे यूज़ करना काफ़ी इजी है, आप ट्रेडिशनल वे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर क्विक जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डार्क कलर की गाड़ी है तो ज़रूर आप इसको यूज़ कीजिए ताकि आपका जो पेंट है वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगा और लॉन्ग लाइफ रहेगा। आप अगर रीसेल करते हैं किसी को कार तो उसका रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।